हेलो एवरी वन विशाली है वेलकम बैक टू माई चैनल सो गाइज आज की वीडियो में मैं आप लोगों के साथ शेयर करने वाली हूँ टोटल दस हैक वो भी वेडिंग से रिलेटेड सो yeah! so, वेडिंग के टाइम पे हमें बहुत सारे काम होते हैं उस टाइम पे ना कुछ ना कुछ गड़बड़ हम जरूर करते हैं लाइक <laughs> like, मैंने भी की थी क्योंकि मैंने मेरी सिस्टर की वेडिंग पे ख़ुद से मेकअप किया था तो मैं अपना कुछ सामान यू you नो know, मेकअप का लेके जाना भूल गई थी एंड मैंने फिर जो गाड़ू तरीके से ना मेकअप yeah. मेक किया था सो so, मैं ना आज टोटल दस हैक शेयर करने वाली हूँ एंड वो डिफरेंट काइंड ऑफ होंगे मेकअप हैक है ज्वेलरी हैक है हेयर स्टाइल हैक है तो ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करेंगे एंड जल्दी से वीडियो को स्टार्ट करते हैं बट उससे पहले गाइज मैं आप लोग के साथ ना हेयर स्टाइल की वीडियो होल वीडियोस शेयर करती हूँ सो तो अगर वो वीडियोस आपने नहीं देखी है तो उनके इंडिविजुअल मैंने प्लेलिस्ट बना दिया एंड उनका लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा सो तो मेक श्योर कि आप वीडियोस को चेक कर लीजिएगा एंड गाइज़ अगर आपने मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो नहीं किया तो काफ़ी कुछ मिस कर रहे हो बिकॉज इंस्टाग्राम पर हम वायरल मेकअप हैक ट्राई करते हैं हेयर स्टाइल की वीडियो भी मैं शेयर करती हूँ सो इंस्टाग्राम का डायरेक्ट लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा सो so, फटाफट पड़ से स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो ठीक है तो फर्स्ट हैक बहुत ज़्यादा सिंपल है एंड जो uh, मैं हैक बताने वाली हूँ ना जो ट्रिक बताने वाली हूँ वो बहुत ज़्यादा यूजफुल होने वाली है बिकॉज वेडिंग uh, के टाइम पे हम मेकअप करते हैं चाहे आप हैवी मेकअप करते हो चाहे आप लाइट मेकअप करते हो बट मेकअप तो करते हो राइट right? एंड अभी इतनी ज़्यादा गर्मी है ना कि हम जब मेकअप कर लेते हैं ना तो उसके बाद में भाई पसीना इतना आता है ना कि क्या ही करें है ना तो उसके लिए बेस्ट हैक है ये या फिर आपको पिंपल्स वगैरह की प्रॉब्लम है फेस पे रेडनेस बहुत ज़्यादा है सो ये हैक उसके लिए भी वर्क करेगा तो देख लेते हैं कि आपको ये हैक कैसे करना है सो फर्स्ट हैक में आपको क्या करना है एक बॉल चाहिए होगा इतना बड़ा जिसमें आपका फ़ेस अच्छे से आ जाए सो uh, so, यहाँ पे आपको वाटर चाहिए आइस uh, चाहिए बहुत सारी सो so, मैं पहले हाथ से डाल रही थी फिर मुझे थोड़ा ठंडा ठंडा लगने लग गया हाथ एंड सुन हो गया सो <laughs> so, फिर मैंने uh, जिस ट्रे में लिया था उसी को सारा डाल दिया एंड अब अपने आप को रेडी कर लो थोड़ा ठंडा <laughs> पानी हो जाएगा बिकॉज आप हमने यहाँ पे बर्फ यूज़ करी है uh, उसके बाद में जब आप रेडी हो जाओ तो अपना फेस इसमें डिप कर लेना आ, ये पार्ट आप मेकअप से पहले करोगे ना तो ट्रस्ट में जो मेकअप है वो बहुत स्मूथ होगा लॉन्ग लास्टिंग होगा किधर से भी कैकी नहीं लगेगा एंड वाटरप्रूफ प्रूफ होगा एंड इसको करने के बाद में ना आप बहुत रिफ्रेश फील करोगे आ, ये वाला ट्रिक करने के बाद में अपना स्किन केयर करना अच्छे से एंड देन अपना मेकअप स्टार्ट कर लेना ओके तो सेकंड हैक ना गाइस बहुत ज़्यादा सिंपल है लाइक like, uh, थो, थोड़ा बहुत हम मेकअप कर लेते हैं लेकिन फिर बात आ जाती है नोज़ कंटोरिंग की एंड उस टाइम पे हमको बिल्कुल पता नहीं चलता कि मतलब कैसे शेप दे क्या लगाएं क्या नहीं लगाएं तो ये ट्रिक बहुत ज़्यादा सिंपल है अगर आपको बिल्कुल मेकअप नहीं आता बिल्कुल पता ही नहीं है नोज़ कंटोरिंग कैसे करते हैं तो ये हैक यू नो ऐसे हो जाएगा <laughs> अपनी फिंगर में थोड़ा सा कंटोर लेना है एंड दोनों फिंगर पे लेकर इस वाले पार्ट पे थोड़ा लगाना एंड फिर नीचे की तरफ आ जाना इस तरीके से उसके बाद में इसको अच्छे से फिंगर से ही ब्लेंड कर लो क्योंकि मैंने यहाँ पे थोड़ा ही लिया है तो ये अच्छे से ब्लेंड हो जाएगा इस ट्रिक से नोज कंट्रोलिंग में आपको बिल्कुल टाइम नहीं लगेगा लाइक आप विद इन थर्टी सेकेंड में आपका नोज़ कंट्रोल हो जाएगा वेडिंग के टाइम पे ना टाइम की शॉर्टेज हमारे पास हमेशा रहती है एंड फिर जब हम अपना मेकअप स्टार्ट करते हैं ना तो अगर आपको मेकअप करना आता है या आपको नहीं भी आता ना थोड़ा बहुत भी आता है तो फिर जो आसपास वाले होते हैं ना वो भी बोलते हैं यार थोड़ा सा मेकअप कर दो थोड़ा सा मेकअप कर दो उस चक्कर में हमारे पास खुद का मेकअप करने का टाइम ही नहीं रहता तो ये हैक बहुत काम आएगा जब आपके पास टाइम की शॉर्टेज हो और आप फटाफट मेकअप कैसे करें वो भी मिनिमम प्रोडक्ट के साथ क्योंकि हम यहाँ पे मिनिमम मेकअप प्रोडक्ट की बात कर रहे हैं सो थर्ड हैक

जो हमने कंट्रोल किया है उसको ब्लेंड करेंगे अच्छे से एंड फिर हम अंडर आई एरिया को सेट कर लेंगे पाउडर से बिकॉज अभी बहुत ज्यादा गर्मी है और सेट नहीं करोगे तो फिर थोड़ा कैकी सा लगेगा नोज को कंट्रोल करने के बाद में मैं यहाँ पे पाउडर से इसको सेट कर रही हूँ और नोज कंट्रोलिंग कैसे करते हैं वो आपको इससे पहले वाले हैक में मैंने बता दिया है उसके बाद में मैं यहाँ पे लिपस्टिक को ही एज अ ब्लश यूज़ कर रही हूँ बिकॉज ये क्रीमी होता है एंड बहुत अच्छे से ब्लेंड हो जाता है अब शादी की बात करें और हम मांग टीका लगाए ना ऐसे नहीं हो सकता राइट तो जो नेक्स्ट हैक है ना वो है मांग टीका के साथ कि आप बिना ज्यादा पिन वगैरह यूज करें मांग टीका कैसे लगाएं सेंटर पार्टीशन करेंगे सबसे पहले एंड बालों को अच्छे से स्मूथ कर लो ठीक है सेट सही कर लो उसके बाद में हम मांग टीका लेंगे इसको मेजर करेंगे कि कहाँ रखना है और जहां भी आएगा ना वहाँ पे फिंगर रख लेना एंड थोड़े से बालों का सेक्शन यहाँ पे ले लेंगे एंड इसको हम रबड़ से यू नो सिक्योर कर लेंगे इस वाले सेक्शन को इसके बाद में आपको क्या करना है जो मांग टीका था ना उसका जो हुक वाला पार्ट होता है ना इसको रबर के अंदर इस तरीके से डालना है एंड सिक्योर हो जाएगा इसे मांग टीका और मैंने यहाँ पे इसको डाल लिया है ऑलमोस्ट या <laughs> हमने यहाँ पे मांग टीका लगा लिया वो भी बिना किसी पिन वगैरह के लेकिन क्योंकि ये बहुत ज़्यादा हिल रहा है राइट जैसे कि हम डांस वांस करेंगे या कुछ करोगे तो बहुत हिलेगा तो इसके लिए हम क्या करेंगे राइट सो डोंट वरी मैं हूँ तो हैक भी है तो क्या करना है आपको डबल साइड टेप और एक कैंची की जरूरत होगी छोटा सा पार्ट कट करना है आपको डबल साइड टेप का अपने फोरहेड पे लगाओ दूसरा स्टिकर हटाओ और इसको मांग टीका के साथ स्टिक कर दो एंड ट्रस्ट मी सात आठ घंटे के बाद में भी ना आपका मांग टीका किधर भी नहीं जाएगा अब बारी आती है हमारे फिफ्थ हैक की एंड ये बहुत ज्यादा इंटरेस्टिंग हैक है और आई एम डैम श्योर कि आप बहुत सारे लोगों के बहुत ज्यादा काम आने वाला है अच्छा ये बताओ पियर्सिंग किस किस को पसंद है बिकॉज मुझे पर्सनली बहुत पसंद है बट अभी कितने पियर्सिंग करवा सकते हैं राइट पेन भी होता है एंड कई कई बार सेट भी नहीं बैठता और कई बार ना लास्ट मोमेंट पे हमको लगता है यार इसके साथ ना थोड़े स्टोन स्टोन वगैरह होते ना ये हमें काफी अच्छे लगते है तो नेक्स्ट हैक भी है हमारा पियर्सिंग पे की अगर आपके पियर्सिंग नहीं करी हुई तो आप फेक पियर्सिंग कैसे कर सकते हो तो चलो जल्दी से हैक देख लेते हैं ये वाला हैक ना मेरा पर्सनली बहुत ज्यादा फेवरेट है इसमें आपको सिर्फ दो चीज़ें चाहिए एक आपको स्टोन बिंदी एंड एक आईलश ग्लू आपको क्या कहें स्टोन वाली बिंदी को आप निकाल लो एंड इस पे ना थोड़ा सा ग्लू लगा दो एंड इसको थोड़ा सा ड्राई होने तो मुझसे थोड़ा ज़्यादा निकल गया था इसको लगाने से पहले ना थोड़ा ड्राई कर लेना बिकॉज जब हम फेक लैशेज लगाते हैं तो उसको भी थोड़ा ड्राई करते हैं ताकि वो थोड़ी स्टिकी सी हो जाए एंड वो अच्छे से यू नो चिपक जाए आ, बिंदी में अपना ग्लू होता है गाइस लेकिन यहाँ पे हम वेडिंग हैक की बात कर रहे हैं ना तो हमको कुछ ऐसा चाहिए जो लॉन्ग लास्टिंग हो एंड यू नो सिक्योर वाला है ना सो so, अगर आप बिंदी लगाओगे ना तो वो थोड़े टाइम में आपको स्वेट वगैरह आएगा तो वो निकल जाएगा लेकिन अगर आप लैश ग्लू का यूज़ करते हो ना तो जब तक आप उसको ज़्यादा हाथ वाथ नहीं लगाओगे या उसको टच नहीं करोगे ना ज़्यादा तब तक वो नहीं हिलेगा एंड काफ़ी देर तक टिका रहेगा अच्छा कलर आईलाइनर किस किस को पसंद है बिकॉज मुझे तो बहुत पसंद है बट फिर हम ना कितने कलर आईलाइनर लें बिकॉज हमारे पास इतनी ड्रेसेस होती है और सारी ड्रेसेस के साथ हम अगर मैचिंग के आईलाइनर लेने लगे ना तो हमारी जेब तो भाई <laughs> पर मैं अब जो आपके साथ हैक शेयर करने वाली हूँ ना उसके लिए आपको एक भी आई नहीं चाहिए और बस दो चीजें चाहिए तो देख लेते हैं कि अगर आपके पास कलर आई नहीं है लाइक अपनी ड्रेस के मैचिंग का तो आप जुगाड़ू तरीके से कलर आई कैसे लगा सकते हो ये वाला हैक भी मेरा पर्सनल फेवरेट है बिकॉज मुझे आई लगाना बहुत पसंद है बट इतने सारा आई कौन परचेज करे राइट तो आपको क्या करना है आई एंड मिसलेयर वाटर एक ब्रश में आपको मिसलेयर वाटर लेना है थोड़ा सा एंड मैं यहाँ पे पिंक आ, आई शेडो पिक करी हूँ लगा उसके बाद में आपको जैसे आप विंग आई लगाते हो सिंपली वैसा लगा लो तो इस ट्रिक से अब आपको बहुत सारे आई लाइनर परचेज करने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है आपके पास आई पैलेट है जिस भी कलर का आपको आई लगाना है बस उस आई में पिक कर लो एंड लगा लो <laughs> एंड ये काफ़ी टाइम तक टिकता भी है अच्छा कई बार ना ऐसे होता है कि हम ना हाइलाइटर अप्लाई करते हैं लेकिन ना वो इतना पिगमेंटेड नहीं निकलता या उतनी हमको शाइन ग्लो वगैरह नहीं प्रोवाइड करता जितना उसको करना चाहिए उसका रीज़न है कि हम उसको गलत तरीके से तो नहीं बोल सकते कि यूज़ कर रहे हैं पर जो मैं नेक्स्ट हैक दिखाने वाली हूँ ना उससे आपको हाईलाइटर का ना मैक्सिमम पिगमेंट मिलने वाला है तो चलिए नेक्स्ट हैक देखते हैं तो हाइलाइटर लगाने के लिए ना आप इस तरीके के जो फैन ब्रशेज़ आते हैं ना उसका यूज़ मत करो बिकॉज मुझे लगता है कि ये कन्वीनियंट नहीं है और प्रैक्टिकल भी नहीं लगता मुझे पता नहीं क्यों मैं यहाँ पे ये वाला ब्रश है ये मेरा आई मेकअप ब्रश ही है मैं ये इससे लगाती हूँ बहुत अच्छे से लगता है ओके फालतू की बातों में मैं हैक बताना भूल गई सॉरी सो आपको क्या करना है ब्रश में आपको पहले सेटिंग uh, स्प्रे लेना है एंड देन उस ब्रश से आपको हाइलाइटर पिक कर लेना है एंड देन आपको यहाँ से हाइलाइटर लगाना स्टार्ट करना है एंड ऊपर की तरफ जाना है हम हमेशा सेल्फी लेते हैं या पिक्चर लेते हैं तो हम स्ट्रेट फेस से लेते हैं तो हाइलाइटर हम जब साइड पे लगाएंगे तो फिर वो फ्रंट पे ग्लो नहीं दिखता सो uh, so मुझे लगता है कि ये वाला जो हैक है ना इससे आपके फ्रंट से फोटो सेल्फीज भी अच्छी आएंगी ग्लोइंग आएगी बाई द वे आपने ग्लो देखा फेस पे स्किन केयर हो गया मेकअप हो गया सेटिंग स्प्रे भी अप्लाई किया लेकिन वो ग्लो नहीं आया जो सेटिंग स्प्रे लगाने के बाद में आना चाहिए राइट ऐसा कई बार हुआ ना उसका रीज़न ये है कि आप सेटिंग स्प्रे को गलत तरीके से यूज़ करो मैं भी यार सेटिंग स्प्रे को काफ़ी गलत तरीके से अप्लाई कर रही थी काफ़ी टाइम तक बट अब क्योंकि हमारे पास हैक है तो फटाफट से देख लेते हैं कि सेटिंग स्प्रे को अप्लाई करने का करेक्ट वे क्या है सेटिंग स्प्रे आपको कभी भी इस तरीके से नहीं लगाना है ये गलत तरीका है आपको ब्यूटी ब्लेंडर लेना है इस पे तीन चार पंप स्प्रे कर लेने हैं सेटिंग स्प्रे के एंड देन आपको अपने फेस पे इसको सेट करना है इस तरीके से इससे आपका जो मेकअप है ना वो बहुत अच्छे से सेट होगा लॉन्ग लास्टिंग बनेगा एंड एक ग्लो आएगा आपके फेस पे कभी ट्राई करके देखना ये वाला हैक सो so, जो अब मैं आपको ये वाला हैक बताने वाली हूं ना इससे आपके कान के अगर जो होल है वो छोटे भी हैं तो भी आप सारे तरीके के ईयर बहुत ज़्यादा इजीली एंड बिना पेन किए वेयर कर सकते हो तो फटाफट -फड़ से हैक देख लेते हैं अच्छा वेडिंग है तो हमको ना इस तरीके की ज्वेलरीज पहननी पड़ती है लेकिन कई बार पता है क्या होता है कि इसका जो जिस जो हम कान में डालते हैं ना ये वाला हुक जो होता है इतना ज़्यादा मोटा होता है ना कि वो हमारे कान के छेद के अंदर आता ही नहीं है एंड बहुत पेन होती है सच्ची मुझसे ज्यादा कौन जानेगा बिकॉज मेरे जो कान के छेद है वो बहुत छोटे हैं सो इसके लिए आपको क्या करना है इसके लिए बहुत अच्छा हैक है क्या जो मैं हमेशा ट्राई करती हूँ आपको लेना है इस तरीके की वेसलिन इस तरीके की क्या एक ही तरीके की वेसलिन आती है पेट्रोलियम जेली बाय द वे आपको थोड़ा सा पिक करना है इसके हैंडल पे लगाना है इस तरीके से एंड बचा हुआ आपको अपने ईयर पे लगा लेना है अच्छे से ठीक है इसके बाद में ना आप इसको आ, इसको मतलब ईयर को वेयर कर लेना एंड ट्रस्ट मी गाइज बहुत आराम से आपका जो इयरिंग है वो आप पहन पाओगे ओके इसके बाद में ना इसी में हम इस वाले हैक को भी ऐड कर लेते हैं तो काफी बार ऐसे होते हैं कि इतने ज्यादा हैवी इयर होते हैं तो यार एक दो घंटे के बाद में हालत खराब हो जाती है राइट तो उसके लिए आपको क्या करना है इस तरीके के आपको ये स्टिकर्स मिल जाते हैं अमेजोन पे इजीली मिल जाएंगे <laughs> मैंने परचेज़ किए थे इस वीडियो के लिए बट मैंने कुछ ज़्यादा ही संभाल के रख लिए एंड मुझे अब वो नहीं मिल रहे थे इस प्रोडक्ट का लिंक मैं आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी इसको वेयर करना बहुत ज़्यादा सिंपल है आपको क्या करना है इस तरीके से पैच को कान के पीछे लगा कर अपनी जो ईयर है उसको वेयर कर लो एंड जित कितनी भी हैवी ईयर हो गाइस ट्रस्ट मी बिल्कुल वेट नहीं लगेगा आपको हमने ना ओपन हेयर के साथ मांग टीका देख लिया कि उसको कैसे लगाना है लेकिन अब बात करते हैं बन के साथ आपको मांग, मांग टीका कैसे लगाना है बिकॉज जब हम बन हेयर स्टाइल करते हैं तो उस टाइम पे बहुत ज्यादा पिन लगा हेयर स्टाइल में यूज की जाती है तो जो मैं आपको हैक बताने वाली हूँ ना उससे आपको एक भी पिन लगाए बिना आप मांग टीका लगा सकते हो What? तो जल्दी से देख लेते हैं ये हैक तो उसके लिए क्या करना है मैंने यहाँ पे फेक ऐसे ही यू नो वीडियो के लिए बन बना लिया ठीक है रबड़ से ताकि मैं आपको हैक दिखा सकूं अब आपको क्या करना है रबड़ लेना है ये पतले वाला जो आता है रबड़ को जो हुक है ना मांग टीका का उसके अंदर इस तरीके से डालना एंड फिर इसको अपने बन पे इस तरीके से रबड़ को लगा लो रबड़ बहुत पतला होता है तो आपके बन के अंदर ये एकदम हाइड हो जाएगा एंड बिना एक्स्ट्रा पिन के आपका मांग टीका भी रेडी हो गया है एंड मांग टीका हिले नहीं उसका मैं हैक आपको ऑलरेडी बता चुकी हूँ सो गाइज आई होप कि ये वीडियो आपके लिए यूजफुल रही होगी आपको पसंद आई होगी तो बिना लाइक के बिल्कुल मत जाइएगा अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ इस वीडियो को शेयर करना मत भूलेगा एंड कमेंट करके मुझे जरूर बताना कि सबसे ज्यादा आपको कौन सा हैक पसंद आया एंड चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा ऐसे ही और अमेजिंग वीडियोज के लिए सो मिलते हैं हमारे नेक्स्ट वीडियो में चलदम वाई टेक केयर